आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाली थी। देखिए हुआ क्या कि एक व्यक्ति जो कि जिसकी हाइट करीबन 5.5 फुट से ऊपर है, उसकी शादी दहेज के कारण या फिर शादी ना होने के कारण या किसी भी पर्टिकुलर और रीज़न के कारण सोसाइटी के प्रेशर में आके एक ऐसी लड़की से करवा दी गई जिसकी हाइट मैक्सिमम 3 फुट थी। ठीक है, 3 फुट से भी कम थी उसकी हाइट तो, लेकिन 3 फुट भी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, तो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली थी। हमारे समाज में संस्कारों के नाम पर कुछ भी चलता है, कोई किसी के बारे में ध्यान नहीं रखता। लड़कियों की शादी समाज के प्रेशर में होके हो जाती है, दहेज के कारण हो जाती है, लड़कों को दहेज का लालच दे दिया जाता है। स्पेशली लड़के को ना भी दिया जाए तो लड़के की जो फैमिली वाले होते हैं उन लोगों को दहेज का लालच दे दिया जाता है। लड़कियां होती हैं उनको ये दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी, अच्छे घर में रहोगी, रानी बन के रहोगी, वगैरह वगैरह, और भी दिमाग में जो भी उटपटांग ख्याल होते हैं उस तरीके से शादियाँ हो जाती है। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, एक लड़का जिसकी हाइट 5.5 फुट से ऊपर है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी केवल हाइट बड़ी है। अगर हाइट ज़्यादा है तो दैट मीन उसके जेनिटल ऑर्गन का साइज़ भी ज़्यादा होगा। साफ साफ बोलूँ तो उसके पीनस का साइज़ भी बड़ा होगा या नॉर्मल एज में होगा। जिस लड़की की हाइट 3 फुट है उसकी वेजाइना की लेंथ भी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होगी। सिंपल सी बात है, इस सिंपल सी बात को घर वाले और माता पिता क्यों नहीं समझ पाते मुझे बहुत अजीब लगता है। अब इस कंडीशन में जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा है उसका पेनिस का साइज़ भी ज़्यादा है, जब वो उस लड़की के साथ में संबंध बनाया तो उस लड़की को इतना पेन हुआ कि वो घर छोड़ के भाग गई। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, एक नई दुल्हन अपने सुहागरात के टाइम पे अपने घर से निकल कर भाग गई और ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आई। लोगों ने उसके ऊपर झाड़ू फूंक करवाया, झाड़ फूंक के पास दिखाने ले गए और वो फाइनली एक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर आए, ये समझ कर कि लड़की को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं कि उसकी वजाइना हो ही ना या फिर वो लड़की ही ना हो या कोई और प्रॉब्लम हो, इसलिए वो डॉक्टर के पास दिखाने लेके आए। अब ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा मार्मिक हो जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि सेक्स कोई पार्ट नहीं है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। भाई दो लोग नए कपल लेकिन वो आपस में संबंध नहीं बना सकते। अब उस पर्टिकुलर एक रीज़न के कारण उस लड़की के मन में इतना बुरा डर बैठ गया कि उसके बाद उसकी हालत ये हो गई थी कि जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसका जो PV एग्जामिनेशन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, तो उस एग्जामिनेशन के दौरान केवल वेजाइना क्या ऊपर वल्वा के ऊपर भी, वल्वा जो ऊपर का ऑर्गन होता है, जो ऊपर की स्किन होती है उसको वल्वा कहा जाता है, तो केवल वल्वा के ऊपर टच करने से भी उसको इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स आए, नर्व रिफ्लेक्स आए कि उसकी वेजाइना बिल्कुल स्ट्रिक हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई और उसको बहुत ज़्यादा दर्द उठा। इतना दर्द कि वो चिल्ला उठी दर्द के मारे। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल साइकोलॉजिकल हो रही है। मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ कि फीमेल के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है, स्त्रियाँ अपने जेनिटल ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा। क्या होता है कि वो जैसे ही किसी व्यक्ति ने उनको टच किया, किसी व्यक्ति नहीं मतलब उनके हस्बैंड ने, उनके पार्टनर ने, सेक्सुअल पार्टनर ने जैसे ही उनको टच किया तो टच करते ही रिफ्लेक्स होने के कारण उनकी जो वेजाइना होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, वो सिकुड़ जाती है और जितना ज़्यादा वो सिकुड़ती जाएगी उतना ज़्यादा पेन होता जाएगा। अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेल के लिए कि ये फीमेल्स के साथ नेचुरली होता है क्योंकि बचपन से उनके दिमाग की कंडीशनिंग ही ऐसी की गई है। उनको हमेशा संस्कारों के नाम पर दबा के रखा गया, सेक्स से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आते हैं, पसंद नहीं होता, डर होता है, नॉलेज कुछ होती नहीं है ना लड़कों को ना लड़कियों को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अब देखिए आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा, ये तो रेयर केस होते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, नॉर्मल व्यक्ति में भी हो जाती है, भले ही उसकी वजाइना नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो डील कैसे करना है ये आप समझ लो, हो सकता है आपकी वाइफ के साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही हो। देखिए फीमेल के अंदर एक्साइटमेंट आने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, मेल बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, एक बार में उनको हिंट में वो एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन फीमेल्स के साथ बहुत लंबा टाइम लगता है। तो यदि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ आपको सपोर्ट नहीं करती सेक्सुअली चीज़ों में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले उनकी मेंटल कंडीशनिंग करें। मेंटल कंडीशनिंग में सबसे पहली चीज़ तो सेक्स को नेगेटिव सोचना आपको बंद करना पड़ेगा, आपको खुद को और औरतों को,
औरतें तो सेक्स से बिल्कुल नफरत करती है। हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको बड़ी पूजा की जाती है, जो व्यक्ति हेल्दी सेक्स करता है उसको बोला जाता है कि भाई ये तो गलत है। तो इसलिए आपके दिमाग में जो सेक्स से रिलेटेड निगेटिव थॉट है उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको और आपके वाइफ दोनों को। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों साथ में बैठ के अच्छे लिटरेचर पढ़ें, अच्छी किताबें साथ में बैठ कर पढ़ो, ठीक है। जिससे कई फीमेल्स के साथ मैंने देखा है कि वो सेक्स के दौरान राम 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 जपती रहती है, या फिर सेक्स हुआ नहीं कि तुरंत नहाने जाती हैं, क्योंकि उनको ये फीलिंग आती है कि उन्होंने बहुत कुछ गंदा काम किया, वो बहुत गंदी चीज़ है। या बहुत जगह तो घर पे नियम होते हैं कि यदि आपने सेक्स किया है तो फिर आप तुरंत पूजा वाले कमरे में या भगवान के पास नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपने कोई गंदा काम किया है। कुछ लोग मुझे ये भी बताते हैं कि बिस्तर पे बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम बिस्तर पे बैठ के गंदा काम करते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग है, गंदा काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, ये दिमाग के अंदर बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देती है, और स्त्रियों में ज़्यादा करती है, ठीक है। स्त्रियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। भले ही वो पूजा पाठ का एक क्रिया वाले काम करते हों कि पूजा वाले नॉर्मल काम कर रहे हैं, भगवान के सामने आरती करना या कुछ भी करना, लेकिन उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो जाती है। तो यदि आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बात करो, अच्छा लिटरेचर दोनों जन साथ में बैठ के पढ़ो, सेक्स से रिलेटेड जितने भी निगेटिव थाट है कि ये बहुत ही गंदा काम है, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए, या पूजा वाले कमरे में हम नहीं जा सकते, सेक्स के बाद नहाना ज़रूरी है, सेक्स के बाद आपको बड़ों को छूना नहीं चाहिए, बड़ों के पैर नहीं छूने चाहिए, बाकी सारी चीज़, ये सारे जो आपके दिमाग के अंदर निगेटिव थाट आते हैं या गंदे थाट आते हैं, गलत थाट आते हैं, उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर भी, वाइफ के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेक्स में वजाइना में इन्वॉल्व होने की बजाय आप बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हों। आपकी जो पार्टनर है उसकी तारीफ करो, उससे बात करो, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे डिस्कशन करो, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और ख़ास तौर से फीमेल्स पे। क्या है कि फीमेल्स के लिए उनकी बॉडी उनकी तिजोरी होती है। हमारे यहाँ लोगों को सिखा दिया गया है कि जो सेक्स है या जो क्या बोल सकते हैं, स्त्री का शरीर है, वही उसकी सबसे बड़ी इज्जत होती है। सेक्स को ही इज्जत के साथ में रिलेट कर दिया गया है। स्त्रियाँ कभी किसी के सामने अपनी बॉडी को शो नहीं करती। लड़कों के साथ क्या है ना, वो चड्डी पहन के बाहर नहाते रहते हैं। आप जनरली हमारे समाज में कहीं भी देख लो, लोग घाटों पर बिना मतलब में ऐसे ही नंगे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं। जेंट्स को सब अलाउ रहता है, लेकिन लड़कियों को ऊपर से नीचे ढक दिया जाता है। तो ढकने की वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और डायरेक्टली यदि आप ये सोचो कि सीधे आप उसके मेन पार्ट के ऊपर, वजाइना के ऊपर आप फोकस करोगे, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका ट्रस्ट गेन करो। ट्रस्ट गेन करोगे, उससे बात करोगे, उसकी अपर बॉडी के साथ में इन्वॉल्व होगे, उसके हाथों को टच करोगे, उसके चेहरे पे हाथ फेरोगे, तो धीरे धीरे आपकी जो वाइफ है, जो आपकी पार्टनर है, वो आप पर ट्रस्ट करेगी। और एक बार यदि ट्रस्ट डेवलप हो गया तो सेक्स एक नॉर्मल चीज़ है, वो अपने आप हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो, ध्यान रखते हुए काम करो। ये केस बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो कपल देख के ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा एक ग्लानी वाली कंडीशन आई। मतलब मुझे इसके मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा आया, इसलिए नहीं कि वो लड़की छोटी है। भाई अगर लड़की छोटी है तो आप उसके साथ वाले की जो उसकी हाइट के लोग हैं आप उनके साथ शादी कर सकते हो, उसको लव मैरिज का भी ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि लव मैरिज में ऐसा क्यों नहीं होता। कई बार आपने लव मैरिज में ऐसे ऑड कपल देखे होंगे, है ना, एक लंबा है एक छोटा है। लव मैरिज में सारा फैक्टर यही आ जाता है कि वो कंडीशनिंग दिमाग की बहुत अच्छी है, वो मेंटली एक दूसरे के साथ एक लेवल के ऊपर है। अरेंज मैरिज में ये ऑप्शन नहीं होता। अरेंज मैरिज में लेवल पे आने में टाइम लगता है। जब नॉर्मल व्यक्ति भी अरेंज मैरिज करते हैं, उन्हें भी आपस में एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के साथ घुलने मुलने में, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब ऐसे ऑड कपल होते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। तो प्लीज़ ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया
यदि आपके साथ, आपकी वाइफ के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी वजाइना इकट्ठे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, वो आपको आपका साथ नहीं देती, वो पेनिट्रेट नहीं करती या फिर उनके अंदर सेक्स की इच्छा डेवलप नहीं होती है, तो प्लीज़ जो मैंने आपको छोटी छोटी सी टिप्स बताई हैं उसको फॉलो करो। फॉलो करोगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहेगी, सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहेगी तो आपकी आगे की सारी लाइफ अच्छी रहेगी, है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।